हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू स्वातिस क्लासेस। आज हम देखेंगे थर्ड स्टैंडर्ड का EVS 1 लेसन नंबर 1 आवर एनवायरनमेंट। तो देखिए स्टूडेंट, हमारे एनवायरनमेंट में हमें क्या क्या दिखता है, उसे लिविंग थिंग्स, नॉन लिविंग थिंग्स, किसे कहा जाता है, वो सारे पॉइंट्स हम डिस्कस करने वाले हैं इस लेसन में। तो देखिए, स्टार्टिंग में ही आपको यहाँ पे साइड में कुछ पिक्चर्स दिख रहे हैं। तो लुक एट द पिक्चर्स अलॉन्ग साइड, यू कैन ईजिली नेम ऑल दीज थिंग्स, वॉट मटेरियल आर दे मेड फ्रॉम। जैसे कि साइड में आपको क्या दिख रहा है, देखिए जैसे कि ये बैट है, उसके बाद ये पॉट दिख रहा है, यहाँ पे एक धागा जो होता है हम लोग कपड़े सिलाने के लिए यूज़ करते हैं वो दिख रहा है, और क्या है, कप है। तो यहाँ पे आपको क्वेश्चन क्या दिया है कि इनके नाम तो आपको पता है क्योंकि घर में भी हम लोग ये सारी चीज़ें देखते ही हैं। वॉट मटेरियल्स आर दे मेड फ्रॉम, तो ये चीज़ें किससे बनी हुई है, कौन से मटेरियल से बनी हुई है। जैसे कि पॉट है तो ये अर्थन पॉट दिख रहा है, मीन्स ये मिट्टी से बना होता है। उसके बाद ये बैट जो है ये किससे बनता है, ऊड से बनता है। थ्रेड जो होता है वो किससे बनता है, प्लांट से बनता है। उसके बाद कप जो है ये अलग अलग मटेरियल आता है, कई बार क्ले से भी बना जाता है, प्लास्टिक स्टील से भी बनता है। तो जैसे कि आप पिक्चर देख के आपको समझ में आएगा कि वो जो आपको थिंग्स दिए हुए हैं वो पर्टिकुलर एक मटेरियल से बने होते हैं। वेयर डू वी फाइंड दिस मटेरियल्स, अभी ये जो मटेरियल्स है जैसे कि क्ले होगा, प्लांट्स होंगे, प्लांट से वुड मिलता है, फिर वुड से हम लोग क्या बनाते हैं, बैट, चेयर होते हैं, टेबल होते हैं, वो भी बनाते हैं। तो ये मटेरियल्स जिनसे हम लोग हमारे थिंग्स, हमारे ज़रूरी चीज़ें बनाते हैं, वो मटेरियल हमें कहाँ पर मिलता है, तो हमारे एनवायरमेंट में। वॉट आर द यूजेस ऑफ दिस थिंग्स, इनका यूज़ क्या है। अभी बैट आप किसके लिए यूज़ करोगे, तो खेलने के लिए यूज़ करोगे। पॉट है वो किसके लिए यूज़ आएगा हमें, तो पानी भरने के लिए आएगा। और जो धागा हमें दिया है उससे हम कपड़े सिला सकते हैं, और कप जो है उससे हम क्या करते हैं, चाय कॉफ़ी पीते हैं। तो यहाँ तक आपको समझ में आया। तो ऐसे कई सारे चीज़ें जो होती हैं हमारे घर में, जैसे कि आपके घर में अगर प्लास्टिक का चेयर है या फिर वुड का चेयर है, टेबल है, आपका बुक है, वो भी किसी ना किसी मटेरियल से बना है। और वो जो मटेरियल होते हैं वो हमें कहाँ पे मिलते हैं, हमारे एनवायरनमेंट में। यू कैन नेम दीज थिंग्स टू, वेयर डू वी फाइंड देम, वॉट आर दे यूज़ फॉर। जैसे कि साइड में अगर आप देखोगे आपको क्या दिख रहा है, तो बनाना है, उसके बाद आंवला दिख रहा है, और यहाँ पे स्वीट कॉर्न दिए हैं। ये भी हमें कहाँ से मिलते हैं, प्लांट से, मीन्स कहाँ से, एनवायरनमेंट से मिलते हैं। और इनका यूज़ क्या है, तो इन्हें हम लोग क्या करते हैं, खाते हैं। नेक्स्ट आपको दिया है, देखिए यहाँ पे एक पिक्चर आपको दिया है अच्छा सा, टेक अ लुक अराउंड। तो इस तरीके से अगर आप देखोगे तो एनवायरनमेंट मींस क्या, कि हमारे सराउंडिंग में जो जो चीज़ें हमें दिखाई देती है, जैसे कि यहाँ पे आपको क्या दिखेगा, हिल्स है, उसके बाद वाटर दिख रहा है आपको, प्लांट्स है, ट्रीज है, एनिमल्स है। तो ये सारी चीज़ें मिलके ही हमारा क्या बनता है, एनवायरनमेंट बनता है। देर आर मेनी थिंग्स अराउंड अस, दे फॉर्म अवर एनवायरनमेंट। There are stones and rocks and soil. There are rivers and streams and lakes. कि soil होती है, ज़मीन होती है, ज़मीन के ऊपर हमें मिट्टी दिखाई देते हैं, stones दिखाई देते हैं, पानी के भी अलग अलग water bodies होते हैं, जैसे कि कई बार हमें river दिखाई देते हैं, streams होते हैं, छोटे छोटे lakes, तालाब होते हैं। There is air. तो हम लोग बाहर अगर जाते हैं या फिर घर में हैं तो आपको हवा लगती है, तो air भी present होती है हमारे environment में। There are hills and mountains, there are jungles, there are fields and houses and roads and also barren lands. कि ऐसी ज़मीन भी होती है जहाँ पे fields means खेती की जाती है, जहाँ पे आपको crops दिखाई देंगे, जहाँ पे आपको fruits के पेड़ दिखाई देंगे, और barren land means क्या कि बंजर ज़मीन होती है, वहाँ पे कुछ भी means आपको grass या फिर वहाँ पे जो crops वगैरह होते हैं वो बिल्कुल भी नहीं होते, उसे barren land कहा जाता है। उसके बाद आपको roads दिखाई देते हैं, कहीं पे घर बनाए होते हैं, कहीं पे buildings बनाई होती है। वी ऑल्सो सी मेनी डिफरेंट एनिमल्स अराउंड अस, अगर आप आपके घर से बाहर निकलोगे तो भी आपको कई सारे एनिमल्स दिखाई देंगे, जैसे कि स्क्विरल, यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, तो स्क्विरल है, रैबिट है, बाहर अगर हम देखेंगे तो डॉग्स होते हैं। तो कई सारे ऐसे एनिमल्स होते हैं जो हमारे सराउंडिंग में रहते हैं, हमारे एनवायरमेंट में रहते हैं। डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रीज एंड बुशेज एंड क्लाइंबर्स मेक अवर एनवायरमेंट ब्यूटीफुल। तो देखिए यहाँ पे कितनी ग्रीनरी आपको दिख रही है, ये क्यों हमें अच्छा लग रहा है ये पिक्चर, क्योंकि यहाँ पे कई सारे प्लांट्स, ट्रीज, बुशेस हमें दिखाई दे रहे हैं, इसके लिए ये काफ़ी सुंदर लगता है। वी टू आर अ पार्ट ऑफ दिस एनवायरनमेंट। तो यहाँ पे आपको समझना क्या है कि एनवायरनमेंट मींस क्या, कि हर एक चीज़ यहाँ पे इंक्लूड होगी एनवायरनमेंट में, एनिमल्स से, बर्ड्स से, प्लांट्स होते हैं, उसके बाद हमारे घर, हिल, माउंटेन्स, रिवर, जो भी आपको दिखाई देता है ये सब कुछ इंक्लूड होता है हमारे एनवायरनमेंट में।
नेक्स्ट पेज पे आपको दिया है, देखिए अ स्पैरो एंड अ रोड साइड स्टोन, इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है वो हमें देखना है। इसी के ऊपर डिपेंड है हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है लिविंग थिंग्स एंड नॉन लिविंग थिंग्स। नाउ लेट अस लुक एट अ स्टोन एंड अ स्पैरो इन अवर सराउंडिंग्स एंड कंपेयर देम। आपके पास अगर कोई स्टोन दिया है और स्पैरो है तो आप ही उनमें कंपेयर कर सकते हो। आपको क्या कंपैरिजन वहाँ पे नज़र आएगा कि स्टोन जो है जहाँ पे आपने रखा है वो वहीं पे रहेगा। अपने आप चलता हुआ कभी आपने स्टोन देखा है? नहीं देखा है, क्योंकि वो नहीं चल पाएगा। उसके पैर है क्या? नहीं है। जहाँ पे हमने रखा है वो वहीं पे रहेगा। अगर आप उठा के उसे अगर कहीं पे रखते हो तभी उसकी जगह चेंज होगी। अगर आपने उसे खाने के लिए कुछ दिया स्टोन को, तो वो खाएगा क्या? नहीं खाएगा। पानी अगर आप उसे पिलाओगे तो पानी पिएगा क्या? स्टोन नहीं पिएगा। और जितनी उसकी साइज़ आज है, कल अगर आप देखोगे या फिर 10 दिन के बाद भी देखोगे तो स्टोन की साइज़ उतनी ही रहेगी। लेकिन यही पॉइंट्स अगर कंपेयर करोगे आप स्पैरो से, तो स्पैरो क्या करती है देखिए, तो स्पैरो एक जगह से दूसरी जगह पे चल के जाती है, उड़ के जाती है, क्योंकि उनके पंख होते हैं, उनके पैर होते हैं, राइट। उसके बाद अगर हम उन्हें खाने के लिए देते हैं, राइस दिया, गेहूं दिया, तो वो क्या करते हैं, उन्हें खाते हैं, पानी पीते हैं। और आज छोटा सा जो बच्चा होता है स्पैरो को, कल जाके बड़ी स्पैरो भी बन जाती है। मीन्स वो क्या होते हैं, ग्रो होते हैं बिगर एंड बिगर। अगर हम पहले दिन उनको देखेंगे और कुछ महीनों के बाद देखेंगे तो हमें उनकी साइज़ चेंज आए नज़र आती है। और स्टोन के कभी आपने बच्चे देखे हैं? नहीं, क्योंकि उनको बच्चे होते ही नहीं है। लेकिन अगर बर्ड्स को अगर हम देखेंगे, स्पैरो को देखेंगे, तो उनके छोटे छोटे बेबीज होते हैं। तो ये कंपैरिजन होता है यहाँ पे दोनों में। इट्स नॉट द सेम विद स्पैरोज, दे बिल्ड्स नेस, दे मूव हियर एंड देयर ऑन देयर ओन, दे ईट इंसेक्ट एंड ग्रेन्स, दैट इज़ वाई दे ग्रो। क्यों ग्रो होते हैं स्पैरो? क्योंकि वो कुछ खाते हैं पीते हैं इसके लिए। स्टोन ग्रो होगा क्या? नहीं होगा, क्योंकि वो कुछ खाना खाते हैं क्या हम लोगों के जैसे? पानी पीते हैं क्या? नहीं पीते हैं। दे ले एग्स इन नेस्ट, तो स्पैरो क्या करती है, अपना घर खुद बनाती है, उसमें अंडे देती है, और उन अंडों में से फिर उनके छोटे छोटे बच्चे निकल के आते हैं, जो कि क्या होता है, फिर वो स्पैरो बन जाते हैं। तो ये डिफरेंसेस आपको यहाँ पे समझ में आएगा। तो यही डिफरेंसेस मीन्स क्या होते हैं, लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग। मीन्स क्या कि लिविंग थिंग यहाँ पे कौन सी आएगी, तो स्पैरो जो है या फिर बर्ड्स एनिमल जो होते हैं वो क्या आते हैं लिविंग थिंग्स में, कि जो चल सकते हैं, जो खाना खा सकते हैं, जो ब्रीदिंग करते हैं, मीन्स सांस लेते हैं, सांस छोड़ते हैं, पानी पीते हैं, खाना खाते हैं, मूव करते हैं, तो वो होते हैं सारे लिविंग थिंग्स। और नॉन लिविंग थिंग्स मीन्स क्या कि जैसे कि स्टोन है, आपका चेयर है, तो उनके पैर होते क्या खुद चलने के लिए? चेयर के पैर होते हैं, लेकिन वो चलता है क्या? नहीं। हम लोग उसे अगर एक जगह से उठा के दूसरी जगह पे रखेंगे तभी उनकी प्लेस चेंज होगी, और वो खाना भी नहीं खाते हैं, पानी नहीं पीते, ना ही वो ग्रो होते हैं। तो वो किस में आते हैं? नॉन लिविंग थिंग्स में। अब देखिए यहाँ पे आपको चार्ट दिया है कि थिंग्स इन अवर सराउंडिंग, हमारे सराउंडिंग में जो भी चीज़ें दिखाई देती है उनको दो कैटेगरी में बांटा जाता है, जैसे कि लिविंग थिंग्स एंड नॉन लिविंग थिंग्स। लिविंग थिंग्स में भी कौन से आते हैं? तो एनिमल्स एंड प्लांट्स आते हैं। एनिमल्स में फिर बर्ड्स वगैरह सब उसमें ही इंक्लूड होगा। एनिमल्स में, एनिमल्स एंड प्लांट्स क्या होते हैं? लिविंग होते हैं। और फिर नॉन लिविंग थिंग में तो सारी चीज़ें जो भी हमारे घर में चीज़ें दिखाई देती है वो आती है नॉन लिविंग थिंग्स में। नेक्स्ट हम देखेंगे लिविंग थिंग्स आर ऑफ टू काइंड्स, प्लांट्स एंड एनिमल्स। एनिमल्स हैव बेबीज एंड सीडलिंग्स ग्रो फ्रॉम सीड्स, दे सीडलिंग्स देन ग्रो इनटू प्लांट्स, दिस टेल्स दैट प्लांट्स आर लिविंग थिंग। प्लांट्स को हम लिविंग थिंग्स क्यों कहेंगे? क्योंकि प्लांट्स को भी पानी की ज़रूरत होती है, और वो अपना खाना कैसे बनाते हैं? तो सनलाइट, वाटर, उनके कारण वो क्या करते हैं, अपना खाना भी खुद बनाते हैं। उसके बाद पानी भी पीते हैं, क्योंकि हम पानी डालेंगे तभी तो प्लांट्स जिंदा रहते हैं। अगर पानी आप नहीं डालोगे तो वो जल जाएगा, ख़राब हो जाता है प्लांट। उसके बाद छोटा सा पौधा अगर आप लगाते हो तो वो बड़ा ट्री बन जाता है। सीड होते हैं, छोटे छोटे सीड्स लगाएंगे तो उनसे हमें प्लांट्स दिखाई देते हैं, मीन्स वो ग्रो भी होते हैं। तो कुछ जो कैरेक्टरिस्टिक होते हैं लिविंग थिंग्स के, वो हमें प्लांट्स में दिखाई देते हैं, इसीलिए उन्हें लिविंग थिंग्स कहा जाता है प्लांट्स को। सिर्फ एक ही कैरेक्टरिस्टिक है कि वो मूव नहीं कर पाते, एक जगह से दूसरी जगह पर नहीं जाते हैं। अदरवाइज सारे कैरेक्टरिस्टिक उनमें होते हैं कि उनको खाने की ज़रूरत है, पानी पीने की ज़रूरत होती है, उसके बाद वो ग्रो भी होते हैं, और उनके जो प्लांट्स, जो फ्रूट आते हैं उनमें से सीड्स निकलते हैं, उनमें से फिर से दूसरे ट्रीज बनते हैं। मीन्स प्रोडक्शन जो होता है वो भी हमें यहाँ पे दिखाई देगा। तो इसीलिए एनिमल्स एंड प्लांट्स क्या होते हैं? लिविंग थिंग्स। प्लांट्स टू मूव, फॉर एग्जाम्पल वेन अ बर्ड ब्लूम्स इंटू अ फ्लावर, इट्स पेटल ओपन, बट मूवमेंट्स ऑफ प्लांट्स आर नॉट सो इजीली सीन, प्लांट्स ऑल्सो नीड फूड।
मूवमेंट होता है, जैसे कि छोटा सा जो कली आपको दिखाई देती है फ्लावर की, वो बाद में ऐसे खिल के क्या बन जाता है, फ्लावर बन जाता है, तो वो मूवमेंट होता है। लेकिन डायरेक्टली प्लांट्स एक जगह से दूसरी जगह पे नहीं जाएंगे, तो छोटे छोटे मूवमेंट आपको दिखाई देंगे जो कि काफ़ी इजीली नहीं दिखाई देता है। अगर आप ध्यान से देखोगे तभी दिखाई देगा आपको। एंड प्लांट्स ऑल्सो नीड फूड, क्योंकि उनको भी फूड की ज़रूरत होती है और फोटोसिंथेसिस प्रोसेस उनमें होता है जिनके कारण वो अपना खाना बनाते हैं। तो ये आपको बाद में आएगा, नेक्स्ट स्टैंडर्ड से आएगा। अफकोर्स प्लांट्स डू नॉट मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस लाइक एनिमल्स डू, देयर रूट्स होल्ड देम डाउन इन वन प्लेस, दिस इज़ अ बिग डिफरेंस बिटवीन प्लांट्स एंड एनिमल। जैसे कि मैंने अभी बताया कि प्लांट्स एनिमल्स के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स सेम ही है, सिर्फ एक ही कैरेक्टरिस्टिक ऐसा है कि प्लांट्स जो है उनके रूट्स सॉइल में क्या होते हैं, सॉइल को पकड़ के रखते हैं, जिसके कारण वो एक जगह से दूसरी जगह पर नहीं जा सकते, सिर्फ ये एक ही कैरेक्टरिस्टिक अलग आएगा। नेक्स्ट डे कैन यू टेल में आपको दिया है, देखिए यहाँ पे कुछ पिक्चर्स दिए हैं। Are the things in this pictures living or non-living? If it is a living thing, it is a plant or an animal. तो living things कौन से आपको यहाँ पे नज़र आ रहे हैं, जैसे कि trees हमने देखा living thing है, तो ये भी आएगा। उसके बाद ये coconut tree भी living thing में आएगा। Animal भी हमने देखे थे living things में, means rabbit, frog, ये living things में आएगा। उसके बाद gas cylinder living thing है क्या, ये खाना पीना कुछ करता है क्या, बढ़ता है क्या, नहीं, तो ये आएगा non-living thing में। नेक्स्ट जो प्लांट हमें दिया है ये भी अगेन किस में आएगा, लिविंग थिंग में आएगा। और नेक्स्ट आपको यहाँ पे एक पॉट दिया हुआ है, तो ये किस में आएगा, तो ये आएगा नॉन लिविंग थिंग में। नेक्स्ट है यूज़ योर ब्रेन पावर आपको दिया है, अ रेलवे इंजन गोज टू एंड फ्रो, इट इज़ अ लिविंग और नॉन लिविंग थिंग। जैसे हमने देखा कि लिविंग थिंग मूवमेंट करते हैं, तो रेलवे इंजन भी तो एक जगह से दूसरी जगह पे जाता है, तो वो लिविंग थिंग आएगा क्या, नहीं आएगा, क्योंकि वो ब्रीदिंग नहीं करता है, खाना खाता नहीं है, पानी पीता नहीं है, तो रेलवे इंजन चलता है लेकिन वो नॉन लिविंग आएगा। वुड कम्स फ्रॉम ट्रीज विच आर लिविंग थिंग्स, अ चेयर इज मेड फ्रॉम वुड, नाउ इज़ द चेयर लिविंग और नॉन लिविंग थिंग। कि अगर चेयर हमने वुड से बनाई, प्लांट हमने देखे, ट्रीज देखे, हमने लिविंग थिंग्स में आते हैं, लेकिन उनसे जो लकड़ी निकलती है उससे अगर हम चेयर बनाते हैं तो लिविंग थिंग्स में आएगा क्या नॉन लिविंग थिंग्स में, तो वो आता है नॉन लिविंग थिंग में, क्योंकि प्लांट का वो हिस्सा प्लांट से कट चुका है, तो वो उसमें तो अभी कोई ज़रूरत नहीं है पानी की वगैरह, तो वो नॉन लिविंग में आता है। विच बर्ड्स डू यू सी इन योर सराउंडिंग, तो ये हर किसी का आंसर अलग आएगा कि आपके सराउंडिंग में आपको कौन से बर्ड दिखाई देते हैं। नेक्स्ट है कैन यू नेम सम थिंग्स दैट आर मेड फ्रॉम स्टोन, स्टोन से बनी हुई चीज़ें जो आपको पता होगी, या फिर आपके पेरेंट्स को भी आप पूछ सकते हो और लिख सकते हो। अगर आप कमेंट में लिखना चाहोगे तो इसका आंसर कमेंट में भी दे सकते हो कि स्टोन से कौन सी चीज़ें आपको पता है। नेक्स्ट है द रिलेशनशिप बिटवीन ऑल थिंग्स इन द एनवायरमेंट, कि एनवायरमेंट में जो चीज़ें हमें दिखाई देती है उनमें कुछ रिलेशन है क्या आपस में, तो ज़रूर है। जैसे कि वाटर एंड एयर आर अ पार्ट ऑफ द एनवायरमेंट, लेकिन हम लोग भी उसे यूज़ करते हैं, जैसे कि हमें सांस लेने के लिए हवा की ज़रूरत होती है, पीने के लिए जो पानी चाहिए वो कहाँ से मिलता है, हमें एनवायरमेंट से मिलता है। हमें खाने की ज़रूरत होती है, वो खाना कहाँ से मिलता है, हमें एनवायरमेंट से, जैसे कि प्लांट से मिलता है, एनिमल से हमें मिलता है खाना, पानी, हवा। वॉट एवर लिविंग थिंग्स नीड टू सर्वाइव दे गेट फ्रॉम देयर एनवायरमेंट, बर्ड्स बिल्ड नेस्ट, दे नीड कॉटन, ट्विग्स एंड थ्रेड्स टू बिल्ड देम, दे गेट दीज थिंग्स फ्रॉम द एनवायरमेंट। मीन्स जो चीज़ें हमें ज़रूरी है, जैसे कि हमें खाने के लिए खाना ज़रूरी है, तो वो कहाँ से मिलता है, प्लांट से मिलता है या फिर एनिमल से, मीन्स कहाँ से, एनवायरमेंट से मिलेगा। उसके बाद अगर हम देखेंगे कि जो स्पैरो है अपना नेस्ट बनाती है, घर बनाती है, वो बनाती है कॉटन, जो ट्विग्स होती है, थ्रेड्स होते हैं, उनसे वो अपना नेस्ट बनाती है, तो उनको नेस्ट बनाने के लिए जो चीज़ें चाहिए वो कहाँ से मिलती है, तो एनवायरमेंट से ही मिलती है। मीन्स हर एक लिविंग थिंग्स की जो ज़रूरत होती है वो कहाँ पर पूरी होती है, तो एनवायरमेंट से ही पूरी होती है। तो इसके लिए हम कह सकते हैं कि एनवायरमेंट में जो थिंग्स, जो भी चीज़ें हैं, वो आपस में जुड़ी हुई है किसी ना किसी रिलेशन से। ह्यूमन बींग्स यूज सो मेनी थिंग्स फ्रॉम द एनवायरमेंट, वी गेट कॉटन, वूल एंड सिल्क फ्रॉम अवर एनवायरमेंट, वी वीव क्लोथ फ्रॉम देम। तो जैसे कि हमें कपड़ों की भी ज़रूरत होती है, तो कपड़ों के लिए हमें जो चाहिए, कॉटन चाहिए, वूल चाहिए, सिल्क चाहिए, ये कहाँ से मिलता है, हमें एनवायरमेंट से। आपको यहाँ पे पिक्चर दिए, देखिए, तो ये होता है कॉटन का प्लांट्स होता है इस तरीके से, उसमें से ये कॉटन निकाला जाता है, फिर इससे धागे बनाए जाते हैं, थ्रेड बनाए जाते हैं, फिर उनसे बनते हैं हमारे कपड़े, या फिर सिल्क होता है, सिल्क के भी धागे बनाए जाते हैं, उनसे कपड़े बनते हैं, शिप होता है, शिप से ऊल बनता है, ऊल से इस तरीके से ऊलन थ्रेड बनाए जाते हैं, फिर उनसे हमें स्वेटर वगैरह जो कपड़े चाहिए वो बनते हैं, उसके बाद प्लांट से
इस तरीके से जो हम लोग बास्केट्स वगैरह यूज़ करते हैं वो बनाए जाते हैं, या फिर हमारे बुक्स जो होते हैं वो भी प्लांट से ही बनाए जाते हैं। तो इतनी सारी चीज़ें जो हम लोग यूज़ करते हैं डे टू डे लाइफ में, तो वो जिन मटेरियल से बनते हैं वो मटेरियल एक्चुअल में हमें एनवायरनमेंट से मिलते हैं। मीन्स हमारी कई सारी ज़रूरतें जो पूरी होती है वो कहाँ से होती है, तो एनवायरनमेंट से होती है। वी मेड थिंग्स लाइक अ मैट्स, बास्केट्स, पेपर फ्रॉम मटेरियल्स इन अवर एनवायरनमेंट। वी बिल्ड हाउसेज यूजिंग अ क्ले एंड स्टोन एंड वुड। जैसे कि अगर आपने गांव के घर देखे होंगे तो मोस्टली इसी तरीके से बनाए जाते हैं, स्टोन होता है, वुड एंड क्ले। तो ये मटेरियल उन्हें कहाँ से मिलेगा, तो एनवायरनमेंट से इजीली मिलता है, इसीलिए वो लोग क्या करते हैं, उन्हें यूज़ करते हैं। अब तो फिर भी टेक्नोलॉजी ज़्यादा हुई है, इसके कारण हम बिल्डिंग्स बनाते हैं सीमेंट या ब्रिक से, लेकिन पहले जो सारे घर होते थे उनके लिए तो जो एनवायरनमेंट में चीज़ें अवेलेबल है उनसे ही घर बनाए जाते थे। नेक्स्ट इज द सीड्स ऑफ सम प्लांट्स आर स्कैटर्ड बाय द विंड्स, एज अ रिजल्ट सीडलिंग्स ऑफ दोज प्लांट्स ग्रो इन न्यू प्लेसेस दस प्लांट्स टू गेट हेल्प फ्रॉम देयर एनवायरनमेंट। प्लांट्स किस तरीके से, देखिए एक प्लांट्स हमने लगाया है तो उनके जो सीड्स गिरते हैं ज़मीन के ऊपर, तो हवा के कारण वो स्कैटर्ड मीन्स क्या, फैलते हैं। हवा के कारण क्या होते हैं, जगह जगह पे फैल जाते हैं, फिर वो सॉइल में अगर सीड चला जाता है, बारिश होती है, उन्हें पानी मिल जाता है, तो वहाँ से फिर एक नया प्लांट उगाता है। मीन्स इस तरीके से प्लांट्स क्या करते हैं, एक हेल्प करते हैं एक तरीके से एनवायरनमेंट में और ज़्यादा प्लांट्स को ग्रो करने के लिए। लिविंग थिंग्स टेक मेनी थिंग्स फ्रॉम देयर एनवायरनमेंट, वॉट इफेक्ट डज द हैव ऑन द एनवायरनमेंट। अगर हम कई सारे लिविंग थिंग्स जो हमारी ज़रूरतें एनवायरनमेंट से पूरी करते हैं तो इसका कोई परिणाम हमें दिखाई देता है क्या एनवायरनमेंट के ऊपर, तो ऑब्वियसली होता है। एनिमल्स लाइक वल्चर्स एंड फॉक्सेस ईट द फ्लैश ऑफ डेड एनिमल्स, दस दे क्लीन द एनवायरनमेंट वाइल दे सेटिस्फाई देयर हंगर। तो जैसे कि वल्चर होता है, फॉक्सेस होते हैं, ये क्या करते हैं, जो डेड एनिमल्स होते हैं उनका जो फ्लैश बचा हुआ जो भी पार्ट होता है उसे खाते हैं, जिसके कारण क्या होता है, हमारा एनवायरनमेंट क्लीन हो जाएगा। अगर वो लोग नहीं खाएंगे तो वो वैसे ही पड़ा रहेगा, जिसमें फिर बीमारियाँ फैलेंगी, गंदगी फैलेगी। तो इसके कारण अगर वो खाते हैं उनको तो क्या होगा कि हमारा एनवायरनमेंट क्लीन होता है। जैसे कि अभी वो क्वेश्चन हमने देखा कि व्हाट इफेक्ट डज हैव ऑन द एनवायरनमेंट, तो जैसे देखिए अगर ट्रीज से हम लोग कई सारी चीज़ें बनाते हैं वुड से, या फिर जो प्लांट्स होते हैं उनसे हम हमारे पेपर बनाते हैं, बुक्स बनाते हैं, अगर ये यूज़ अगर हम ज़्यादा करेंगे तो क्या इफेक्ट होगा इसके ऊपर, ज़्यादा से ज़्यादा ट्रीज कटेंगे। अगर ट्रीज ज़्यादा कटते हैं तो उसके कारण क्या होता है, बारिश कम होती है, बारिश कम होगी तो उसके कारण कई सारे इफेक्ट्स होते हैं। देखिए बारिश ही कम है तो क्रॉप्स नहीं उगेंगे, और जो ट्रीज उगने वाले होते हैं वो भी नहीं उग पाएंगे। तो ये सारे कुछ बैड इफेक्ट्स भी होते हैं एनवायरनमेंट के ऊपर अगर हम ज्यादा यूज करते हैं एनवायरनमेंट का। तो रिमेंट्स ऑफ डेड एनिमल्स डिके, दे मिक्स विद द सॉइल, लीव्स फॉल ऑफ ट्रीज, दे टू रॉट एंड गेट मिक्स इन द सॉइल, दीज मेक द सॉइल फर्टाइल, प्लांट्स गेट नरिशमेंट फ्रॉम फर्टाइल सॉइल। फर्टाइल सॉइल मीन्स जिसमें काफी सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं, मीन्स पोषण देने वाले तत्व होते हैं। जैसे कि देखिए हमारी बॉडी कब स्ट्रांग होती है, जब हम प्रोटीन्स, विटामिन, सब जो खाते हैं जो हमारे लिए ज़रूरी है वो खाते हैं, तभी हम लोग क्या होते हैं, स्ट्रांग बनते हैं। तो प्लांट्स के लिए भी कुछ न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं वो ज़रूरी होते हैं, जो कि उन्हें सॉइल से मिलते हैं। अब सॉइल में ये कहाँ से आता है नरिशमेंट, जो पोषण होता है वो कहाँ से आएगा, तो जो डीके एनिमल्स, मरे हुए एनिमल्स जो होते हैं जिन्हें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स खा लेते हैं, बचा हुआ पार्ट जो है सॉइल में मिक्स हो जाता है, और उसके बाद जो ट्रीज के लीव्स गिरते हैं, या फिर उनके जो रूट्स है, बचा हुआ पार्ट जो होता है ट्रीज का, वो सड़ जाता है, मिक्स हो जाता है सॉइल में, तो उनसे जो पोषण तत्व होते हैं वो सॉइल में मिल जाते हैं और सॉइल फर्टाइल बन जाती है। फर्टाइल मीन्स क्या, सारे न्यूट्रिएंट्स उसमें प्रेजेंट होते हैं, और वही सॉइल अगर पेड़ पौधों को मिलती है तो वो क्या होते हैं, अच्छे से ग्रो हो पाते हैं। दस लिविंग थिंग्स ब्रिंग अबाउट चेंजेस इन नॉन लिविंग थिंग्स टू, तो इनके कारण क्या होता है कि लिविंग थिंग्स का जो होता है क्या होता है, चेंजेस होता है, जो कि नॉन लिविंग थिंग्स के ऊपर भी हमें दिखाई देता है। कि अगर लिविंग थिंग्स ही नहीं बचेंगे, अगर प्लांट्स ही नहीं है, तो आप कौन सी चीज़ें बना पाओगे, उड़ के नहीं बना पाओगे। तो ये क्या होता है, रिलेशन होता है नॉन लिविंग थिंग और लिविंग थिंग्स में। डू यू नो, मैं आपको दिया है शिप के बारे में, अ शिप्स बॉडी इज कवर्ड विथ वूल, द शिप फीड ऑन लीव्स ऑफ श्रब्स, एज इट डज सो द सीड्स ऑफ सम श्रब्स कैन गेट कॉट इन इट्स वूल,
When the ship goes somewhere else, the seeds may fall off there. जैसे कि आपको यहाँ पे ship दिखाई दे रहा है, ये ship क्या करता है, plants को खाता है. अभी जो plants के seed होते हैं वो क्या होते हैं, उनके wool के ऊपर चिपक जाते हैं इस तरीके से. अभी क्या होगा, ship जैसे जैसे move होगा एक जगह से दूसरी जगह पे जाएगा, तो ये जो उनको चिपक गए हैं seedlings, जो seeds चिपके हुए हैं, ये गिर जाएंगे जगह जगह पे. और जहाँ पे ये गिरते हैं फिर वहाँ पे नए trees, नए plants उगाते हैं. मीन्स यहाँ पे plants भी, जो animals है वो भी क्या कर रहे हैं, एक तरीके से एनवायरमेंट में हेल्प करते हैं नए प्लांट्स उगाने के लिए. अभी हम देखेंगे कि इस लेसन में हमने क्या सीखा. व्हाट वी हैव लर्न, देर आर मेनी थिंग्स इन अवर एनवायरमेंट, सम ऑफ देम आर लिविंग थिंग्स एंड सम आर नॉन लिविंग थिंग्स. फर्स्ट पॉइंट हमने देखा कि कुछ क्या होते हैं, लिविंग थिंग्स होते हैं और कुछ होते हैं नॉन लिविंग थिंग्स. लिविंग थिंग्स क्या क्या करते हैं, मूव करते हैं. लिविंग थिंग्स नीड फूड, फूड हेल्प्स फ्रॉम हेल्प्स देम टू ग्रो. कि लिविंग थिंग्स क्या करते हैं, खाना खाते हैं जिनके कारण वो ग्रो हो पाते हैं. लिविंग थिंग्स प्रोड्यूस यंग वंस लाइक देम सेल्स. जैसे कि एनिमल्स है वो अपने बच्चों को जन्म देते हैं, बर्ड्स होते हैं वो अंडे देते हैं जिनमें से उनके बच्चे निकल आते हैं. लिविंग थिंग्स आर टू काइंड्स, दैट इज प्लांट्स एंड एनिमल्स. लिविंग थिंग्स दो टाइप के होते हैं, एक तो प्लांट्स और दूसरे होते हैं एनिमल्स. लिविंग थिंग्स गेट ऑल दैट दे नीड फ्रॉम अवर एनवायरमेंट. लिविंग थिंग्स की जो भी ज़रूरत होती है वो कहाँ से पूरी होती है, एनवायरमेंट से पूरी होती है. जैसे कि हमने देखा, लिविंग थिंग्स ब्रिंग अबाउट चेंजेस इन नॉन लिविंग थिंग्स टू. ऑल थिंग्स इन द एनवायरमेंट डिपेंड अपॉन ईच अदर. जो लिविंग थिंग्स है, नॉन लिविंग थिंग्स है, सारी चीज़ें एक दूसरे के ऊपर क्या होती है, डिपेंड होती है. ऑलवेज रिमेंबर, द नीड्स ऑफ ऑल लिविंग थिंग्स आर फुलफिल्ड बाय थिंग्स इन देयर एनवायरमेंट. Such things should not be allowed to go waste. We must take care that we do not cause harm to the environment. अगर हमें पता है कि हमारी सारी ज़रूरतें एनवायरनमेंट से ही पूरी होने वाली है, तो उन्हें हमें वेस्ट नहीं करना है. अगर पानी हमें एनवायरनमेंट से मिलता है तो उसे भी हमें सेव करके रखना है, अच्छे से यूज़ करना है, वेस्ट नहीं करना है. या फिर ट्रीज है जो हमारी इतनी सारी हेल्प करते हैं, तो उन्हें हमें बेवजह नहीं काटना है. वी मस्ट टेक केयर दैट वी डू नॉट कॉज हार्म टू द एनवायरनमेंट. तो कोई भी ऐसा काम मत कीजिए जिसके कारण हमारे एनवायरनमेंट का कोई भी नुकसान होगा. तो इस तरीके से आपको ये फर्स्ट लेसन दिया था स्टूडेंट्स. आई होप आपको लेसन अच्छे से समझ में आया होगा. अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कीजिए, आपके जो फ्रेंड्स होंगे उनके साथ शेयर कीजिए. और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा स्टूडेंट्स और पेरेंट्स जो भी आप देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए. आपको आगे के भी जो लेसन से वो इस चैनल पे मिल जाएंगे.